हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गॉस थ्योरम का जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, मीन्स जैसे वैद्युत फ्लक्स पर, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस सब पर कुछ न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी टेस्ट होते हैं, रिक्वायरमेंट है आपको फोकस कर देगी। हर एक न्यूमेरिकल अपने आप इम्पोर्टेंट होता है और आप विश्वास मानिए कि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का हमारा बेस होता है। अगर आपने न्यूमेरिकल पोषण नहीं किया, न्यूमेरिकल्स पर अगर आपने फोकस नहीं किया तो फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सबके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो पहले आप एक जगह में न्यूमेरिकल्स को लिखा हुआ है, पहले आप उनको देखिए, अपने आप करने की कोशिश करो, फिर हर एक न्यूमेरिकल को वन बाई वन एक एक करके न्यूमेरिकल लेके चलना है, उसका सॉल्यूशन दिया है। पहला न्यूमेरिकल है दो माइक्रोकूलम का आवेश, ये आवेश किसी घन, किसी क्यूब जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है उसके सेंटर पर रखा हुआ है, केंद्र पर स्थित है। न्यूमेरिकल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, दो माइक्रोकूलम आवेश किसी घन के केंद्र पर स्थित है, घर की जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर है, हमें उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है उसके एक फेस से, टोटल नहीं निकालना, उसके एक पृष्ठ से। तो आपको जो गिवन है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, आवेश क्यू आपको गिवन है 2 माइक्रोकूलम, इस माइक्रोकूलम को सबसे पहले कूलम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कूलम जो होता है वो आवेश का ऐसे ही पद्धति में बात रखें। तो कूलम में कन्वर्ट किया 10^-6 की मल्टीप्लाई करके, अभी जो आवेश है वो उस क्यूब के सेंटर पर है, उसके केंद्र पर है। जो क्यूब होता है, जो घन होता है, उसमें 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, और जब आवेश उसके सेंटर पर होता है तो हर एक फलक से समान वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, और किसी एक फलक से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पूरे घन से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 1/6 भाग, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो अब जब एक पृष्ठ से या एक फलक से निकालेंगे, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जिसे फाई ई लिखा, इक्वल टू हो जाएगा 12/6, किसका 12/6 होगा, टोटल फ्लक्स का। ये टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, 12/ε₀ × Q। हर एक वैल्यू पुट करेंगे, ε₀ निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका वैल्यू पुट करेंगे 8/85 × 10^-12, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो इट विल बी द आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, उसके वैद्युत क्षेत्र में हमने एक गॉसियन सरफेस खींचा हुआ है, गॉसियन जो सरफेस है वो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो माइनस में दिया हुआ है। तो ये पूछा है नंबर फर्स्ट कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को हम डबल कर दें तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, और सेकंड में पूछा बी पार्ट में उस बिंदु आवेश का मान बताइए। तो हमें सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं, गोल पृष्ठ की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और उससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है ये नेगेटिव दिया हुआ है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हम सरफेस की त्रिज्या को चाहे तो डबल कर दें चाहे हाफ कर दें, बस सरफेस के साइज को बदल लें, सरफेस की डिजाइन को बदल लें, हमारा जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो अपरिवर्तित रहता है, वो उतने का उतना ही रहता है। साइज बदलने से, उसकी आकृति बदलने से फ्लक्स में फर्क नहीं पड़ता। फ्लक्स केवल तभी बदलता है जब आवेश को बदले।
तो पहले पार्ट में उसके रेडियस को हम गॉसियन क्रस्ट की त्रिज्या को डबल करते हैं तो बैदो फ्लक्स का मान उतना ही रहेगा। तो आंसर है फाइव इज कर टू माइनस 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इट इज द फर्स्ट आंसर, आंसर ए। आंसर बी में पूछा है बिंदु आवेश का मान बताइए। तो यहाँ पर हमें कुल फ्लक्स मालूम है, फाइ ई मालूम है, आवेश क्यों पूछा है क्यू जो इसके अंदर इनक्लोज होगा। तो गॉस थ्योरम लगाएंगे, गॉस प्रमेय से फाइ इक्वल टू होता है 1/ε0 इंटू क्यू, फाइ की प्लेस में फाइ की वैल्यू पुट करेंगे और ε0 की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे क्यू इक्वल टू हो जाएगा ε0 इंटू फाइ ई या फाइ ई इंटू ε0। हर एक वैल्यू पुट की, फाइ ई नेगेटिव दिया हुआ है, ε0 की वैल्यू पुट की, चार्ज नेगेटिव होगा। तो दिस इज द आंसर, माइनस का 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 कूलम। ये जो माइनस 9 होता है वो नैनो कूलम होते हैं, तो सिंपल हम लिख सकते हैं क्यू इज कर टू माइनस 8.85 नैनो कूलम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोली चालक है, इस गोली चालक पर कोई आवेश है जिसकी वैल्यू हमें बतानी है, इस पर कितना आवेश होगा। और दिया हुआ है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, त्रिज्या तो 10 सेंटीमीटर है, हमें केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का भाव दिया हुआ है। तो देखो हमने फिगर बनाई हुई है, ये आवेशित गोली कोश हो गया, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन ये आवेशित गोली कोश माइनस का होगा। इसलिए माइनस होगा, कैसे पता चला, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स है वो इनवर्ड है, तो जब आवेश माइनस का होता है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर को आता है, अंतर्मुखी होता है, और प्लस का चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। तो दिया हुआ है रेडियल इनवर्ड, तो इलेक्ट्रिकल लाइन्स अंदर को आ रही है, तो निश्चित रूप से जो भी आवेश होगा इसके सरफेस पर वो नेगेटिव होगा। इस क्यू की हमें कैलकुलेशन करनी है, जो नेगेटिव पार्ट का होगा। पी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमें फॉर्मूला ध्यान रखना होगा कि किसी गोले के कारण उसके बाहर किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो एक बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र का। एक बार फिर रिपीट करते हैं, अगर हम कोई चालक गोला लेके चले आवेशित हो, उसके बाहर एक और ध्यान रखिएगा, हमें यह भी देखना होगा कि हमें कौन सा प्लेस है, बाहर का बिंदु है, उसके सरफेस है या उसके अंदर है। तो उसके बाहर किसी भी बिंदु पर क्षेत्रीय तीव्रता ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हर एक वैल्यू पुट करनी होगी या ई का मान रखना होगा। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, क्यू अपॉन आर जो हमारा डिस्टेंस होगा उसके केंद्र से, तो केंद्र से लिए गए बिंदु तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है, जिसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हो 20 × 10⁻², सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट किया होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसको उधर लेके जाए, यहाँ से क्यू निकालेंगे तो क्यू यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कॉपी लेके बैठा करो, अपने आप ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, या न्यूमेरिकल आप पहले कॉपी पर लिख लो, उसको आप अपने आप करिए, सॉल्यूशन को भी देखिए, फिर देखिए आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, ये आपका ब्रेड का लेवल कहाँ तक जाता है। तो इट इज द आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.4 मीटर 2.4 मीटर व्यास का एक आवेशित गोली कोश है। गोली कोश में चालक गोला है, आवेशित है, जिसका आवेश घनत्व मालूम है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि गोला है तो जो आवेश होगा इसके सरफेस पर होगा, कंडक्टिव है, चालक गोला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरी में आपको बताएंगे, हम किसी चालक गोले को जब आवेश देते हैं तो आवेश फ्लो होकर के अंदर से आकर के उसके सरफेस पर आके कलेक्ट हो जाता है,
तो जो भी आवेश होता है उसके सरफेस पर होता है, उसकी सतह पर होता है, तो उसका आवेश घनत्व दिया हुआ है। आवेश घनत्व का मतलब होता है चार्ज ऑफ द यूनिट एरिया, एकाग्र क्षेत्रफल का जो आवेश होगा उसे बोलते हैं आवेश घनत्व। तो इसे सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा का भाग दिया हुआ है, बात का लिखा है माइक्रो कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको जो दिया वो लिख लेंगे, सिग्मा का भाग मालूम है माइक्रो कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर में। इस माइक्रो कूलम्ब को पहले कूलम्ब्स में कन्वर्ट करेंगे, 10^6 का मल्टीप्लाई करके अपॉन मीटर स्क्वायर। पहले पार्ट में पूछा है कि इसका आवेश का भाग बताइए, तो कॉमन फार्मूला हमने आपको भी बताया, पृष्ठीय आवेश तो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, ए मीन्स जिस सरफेस पर आवेश होगा उसका एरिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ इसका जो एरिया होगा गोले का उसका होगा वक्र पृष्ठ, ये राउंड सरफेस का एरिया, ये होगा 4πr², ये सर्किल नहीं है, ये गोला है, थ्री डायमेंशनल फिगर है। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लेना, वी हैव टू टेक द कर्व सरफेस एरिया, सी ऐसे। तो यहाँ पर हमें सिग्मा स्क्वायर टू क्यू अपॉन 4πr², सिग्मा मालूम है, रेडियस मालूम, सब कुछ मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और क्यू का मान निकालेंगे, हर एक वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा अभ्यास दिया हुआ है, उससे हम हाफ कर लेंगे रेडियस हो जाएगी और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू आएगा 1.45 × 10⁻³ कूलम्ब्स। इट इज द फर्स्ट आंसर, पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा है इस गोले से गुजरने वाले फ्लक्स का मान बताइए, तो गॉस प्रमेय में लगानी होगी, जब भी आवेश किसी पृष्ठ के भीतर होता है और कहे उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बताइए, तो कॉमन फार्मूला होता है φ = 1/ε0 × Q। ε0 की वैल्यू पुट करेंगे, हमने जो चार्ज कैलकुलेट कर लिया उसकी वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल रेखीय आवेश का है। अगर हम किसी लाइट पर आवेश दे दें तो उसको नाम देते हैं रेखीय आवेश। इस रेखीय आवेश का अपने इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसके फील्ड में यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, इसके फील्ड में आर डिस्टेंस पर आर दूरी पर क्षेत्रीय तीव्रता का फॉर्मूला देखें, तो वो फॉर्मूला होता है E = 1/2πε0। अभी हमने अपने वीडियोस में डेरिवेशन में ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो, तो E = 1/2πε0 λ/r, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। आर तो वो डिस्टेंस हो गए जहाँ पर फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ हमें दे रखी है, लेमडा बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो न्यूमेरिकल में ये जो रेखीय आवेश घनत्व है इसको हमें कैलकुलेट करना है, रेखीय आवेश घनत्व, और हमें फील्ड की वैल्यू मालूम है, ई की वैल्यू मालूम है, आर मालूम है, वी कैन कैलकुलेट। ई के प्लेस पर ई का मान रखा, ये 1/2 जो 2πε0 होगा ये 1/4πε0 का डबल होगा, 2×2, ये 1/4πε0 है, इस वक्त 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 1/2πε0। तो इसके प्लेस पर जो वैल्यू पुट की है वो कितनी वैल्यू पुट की है, हमने वैल्यू पुट किया 2×9×10⁹ λ/r। आर हमारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है जिसे हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया, वैसे लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टर्म्स डिवीजन के इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये दोनों बटे में आ जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 10⁻⁷ कूलम्ब अपॉन मीटर। इसका मतलब होगा कूलम्ब अपॉन मीटर बिकॉज इट इज द चार्ज ऑफ द यूनिट लेंथ। इसको अगर हम और थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं 0.1 × 10⁻⁶, ये 10⁻⁶ होगा, इट इज द माइक्रो कूलम्ब, तो आंसर इज 0.1 μC/m। एंड द लास्ट न्यूमेरिकल है, उसमें लड़की धातु की दो प्लेटें आवेशित प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समानांतर है, निकट है, इनके सरफेस पर पृष्ठों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व विपरीत है, मतलब अगर एक का पृष्ठीय आवेश घनत्व पॉजिटिव है तो दूसरे का पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस का है।
जिसका पृष्ठीय आविष्कर्तृत्व वायरस का होता है वो शीट नेगेटिवली चार्ज्ड होती है, जिसका आविष्कर्तृत्व प्लस का होता है वो शीट पॉजिटिवली चार्ज होती है, धनावेशित होती है। या यो कहिए धनावेश से जो आविष्कर्तृत्व होगा वो पॉजिटिव मार्ग का, ऋणावेश से जो आविष्कर्तृत्व होगा वो नेगेटिव मार्ग का। ये दोनों शीट्स अपने अपना फील्ड बनाती है। पॉजिटिव शीट का जो फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, बाहर की ओर, शीट से परे। नेगेटिव शीट का जो फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन होती है अंदर की ओर, इनवर्ड। हमें जो आवेशक रक्त दिए हुए हैं सबसे पहले उन्हें लिख लेते हैं। हर एक प्लेट का जो आवेशक रक्त है वो दे रखा है 17.0 × 10⁻²⁰ कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका आवेशक रक्त पॉजिटिव होगा, इसका आवेशक रक्त होगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव शीट है, ये नेगेटिव शीट है। अगर हम इस शीट को ए मान के चले, इस शीट को बी मान लें, तो और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, इसके फील्ड की वैल्यू को हम ई वन लिखें। पहले शीट का फील्ड की वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम ई वन लिखें, और दूसरी शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू को हम ई टू लिखें। तो आगे का ई वन एंड ई टू हियर जो हमने कंसिडर किया है, ई वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट सीट, ई टू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सेकेंड सीट। अब डेबिकल में क्या पूछा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली प्लेट के बाहर क्षेत्र में, ये पहली प्लेट है, इसके बाहर क्षेत्र में ये पी वन पॉइंट है, यहाँ पर नंबर सेकेंड। दूसरी प्लेट के बाहर क्षेत्र में ये पी टू पॉइंट होगा बाहर क्षेत्र का, नंबर थर्ड। इन दोनों प्लेटों के बीच में पॉइंट होगा पी थ्री। यहाँ पर नेट फील्ड निकालना है। ध्यान दीजिए, इस पी वन पॉइंट पर दो फील्ड होंगे, एक फील्ड होगा प्लस शीट का, दूसरा फील्ड होगा माइनस शीट का। प्लस शीट का जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, तो ई वन वेक्टर ने बाहर को एरो लगाया। इसका जो फील्ड होगा नेगेटिव होगा, ई टू वेक्टर ने अंदर को निशान लगाया। तो पी वन पॉइंट पर दो फील्ड है, ई वन वेक्टर है, ई टू वेक्टर, जो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम इस पर नेट फील्ड निकालें, दोनों फील्ड अपोजिट है, अगर यहाँ नेट फील्ड निकालेंगे तो हमें एक फील्ड में से दूसरे फील्ड को घटाना होगा, क्योंकि पी वन पॉइंट में जो दोनों फील्ड है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें ग्रेटर फील्ड में से स्मॉलर फील्ड को माइनस करना होगा। अब हमें एक बात और ध्यान रखनी है, किसी भी शीट की वजह से जो फील्ड का फॉर्मूला होता है, दैट इज ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 ε₀। तो पहली शीट की वजह से सिग्मा क्या है, दोनों का आविष्कर्तृत्व है, तो सिग्मा की वैल्यूज बराबर है, बस एक पॉजिटिव सिग्मा है, दूसरा नेगेटिव सिग्मा है, तो दोनों की जो फील्ड वैल्यूज होगी ई वन और ई टू के बाद होगी वो बराबर बराबर होगी। डायरेक्शंस में अलग अलग दिशाओं में हो सकते हैं, होंगे। पॉजिटिव शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को होगा, नेगेटिव शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा। तो देखिए, यहाँ पर जब नेट फील्ड निकाल लेंगे तो दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो जब हम एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा, तो इस पी वन पॉइंट पर डेट फील्ड जीरो होगा। ऐसी जगह बात करें पहले पी टू पॉइंट की, दूसरी प्लेट के बाहरी क्षेत्र में, इस प्लस सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई वन वेक्टर आउटसाइड बाहर को, इस नेगेटिव सीट की वजह से फील्ड होगा अंदर को होगा। ये दोनों फील्ड यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी डेट फील्ड होगा जीरो। डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा पी वन पॉइंट इस सीट से कितनी दूरी पर है, या ये पी वन पॉइंट इस वाली सीट से कितनी दूरी पर है। डिस्टेंस कब ज़्यादा हो, फील्ड के फॉर्मूले में डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ सिग्मा है और 2 ε₀ आर नहीं है। तो पॉइंट कब ज़्यादा दूरी पर हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, पी वन पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई, पी टू पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि दोनों पॉइंट्स में जो फील्ड है वो बाद में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शंस में अपोजिट है। अब आप बात करें इस पी थ्री पॉइंट पर, इस पी थ्री पॉइंट पर जो फील्ड होगा पॉजिटिव शीट की वजह से बाहर को होगा, एरो बना हुआ है, इस नेगेटिव शीट की वजह से फील्ड होगा वो अपनी साइड होगा अंदर को होगा। तो यहाँ पर दोनों फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है,
देयरफॉर दैट फील्ड ई इक्वल टू का ई वन प्लस ई टू, फॉर्मूला लिखा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन डॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन डॉट, जब प्लस करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डॉट, वैल्यू पुट की, इट इज द आंसर। तो ये हमारी डेबिकस थे। थैंक्स फॉर द विजन।